सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पीछे रखी है ऑल न्यू बजाज पल्सर N160। तो फाइनली बजाज ने इसमें एक खतरनाक अपडेट दिया है। फाइनली बजाज ने इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, एंड उसमें आप लोगों को अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज देखो, बहुत लोगों को बहुत पहले से इंतजार था इस चीज का, इस अपडेट का। तो इस चीज की वजह से अभी प्राइस में कितना चेंजेस आया पहले के मुकाबले, एंड और भी कुछ चेंजेस है कि नहीं, और मीटर कंसोल में क्या क्या मिल जाते हैं, सारा कुछ अभी देख लेते हैं। चलो सो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इस बाइक की प्राइस बताऊं, ओएसएल बजाज ठाकुर पुकुर में आप लोगों को इसके लिए पे करना होगा ऑन रोड 1,63,500 रुपीज। पहले वाली जो वर्षन थी उसके लिए आप लोगों को पे करना होता था 1,59,000 अप्रोक्स, मतलब एक 4,500 रुपए का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है मीटर की वजह से। मीटर चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली प्राइस तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गए। एंड यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक बार घूम के अच्छे से दिखा दूं तो लुक्स में कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली बाइक जैसे दिखता था सेम वैसे दिख जाएगा आप लोगों को, एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, कलर वलर स्टिकरिंग वगैरह कुछ नहीं, इवन डिजाइन भी सिमिलर देखने को मिल जाएगा। तो फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से एक बार 360 वॉक अराउंड दे देता हूँ, एक क्लोजअप व्यू भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मिलता था लेफ्ट साइड में सारी गार्ड एंड टैंक में ऐसे टाइप में पल्सर का एम्बलम 160 लिखा हुआ, पैनल में ऐसे कुछ स्टिकरिंग वगैरह सारा कुछ आप लोगों को सेम देखने को मिल जाता है। और अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो भी सेम देखने को मिल जाता है, कुछ चेंजेस नहीं है। 14 लीटर ऑफ टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो इंजन है, इंजन हम लोग को सेम टू सेम 164 cc की सिंगल सिलेंडर नॉन DTSI FI पावर्ड 2 valve इंजन देखने को मिल जाती है। एंड एयर ऑयल कूल्ड इंजन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो प्रोड्यूस करके एक 15.68 bhp की मैक्स पावर एंड 14.65 nm की मैक्स टॉर्क। तो सारा कुछ यहाँ पर सिमिलर देखने को मिलता है। इवन जो सीट हाइट है ना, ये भी 795 mm पहले भी थी, अभी भी वही देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी सेम टू सेम है, 165 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। सस्पेंशन सिस्टम सामने टेलीस्कोपिक फॉर्क, पीछे यहाँ पर एडजस्टेबल मोनोसॉकर सेम है, ये भी टायर प्रोफाइल वगैरह भी सेम है, पीछे 130 सेक्शन एंड सामने 100 सेक्शन टायर देखने को मिल जाएगा। दोनों आप लोगों को कम्प्लीटली अलॉय एंड ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है। मेन चीज जो है अट्रैक्शन वो है मीटर। देखो पहले तो मैं आप लोगों को ऑफ हालत में एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे टाइप में कुछ देखने को मिल जाएगा आप लोगों को मीटर। एंड जैसे हम लोग इसको ऑन करते हैं ना, जैसे हम लोग इसको ऑन करते हैं तो देखो ऐसे लेटेस्ट राइट बोल के ऐसे दिख जाएगा आप लोगों को ऑन करते। फिर से मैं आप लोगों को एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ऑन करते ऐसे लेटेस्ट राइट करके लिख के आता है नीचे, एंड 199 तक ये जाती है एक बार, ठीक है, सारे डिजिट्स आप लोगों को दिख जाएंगे। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ना, देखो यहाँ पर पहले एनालॉग मीटर देखने को मिलता था, अभी कम्प्लीटली डिजिटल मीटर है, मतलब पहले मिक्सचर था एक एनालॉग एंड डिजिटल का, अभी वो एनालॉग जो टैकोमीटर है वो हटाकर कम्प्लीटली डिजिटल यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर जो स्विच गियर है ना, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को एक एम बटन, देखो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ये बटन है, इससे ही कम्प्लीटली हम लोग टॉगल कर सकते हैं मीटर को। तो इसको अगर मैं प्रेस करूं, यहां पर देखना आप लोग नीचे देखो रिफ्यूल दिखा रहा है वार्निंग, और अगर प्रेस करूं यहां पर देखो ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहां पर एंटर वार्निंग। अगर मैं इस वाले बटन को यहां पर होल्ड करके रखूं, प्रेस एंड होल्ड करके रखूं, थोड़ा देर तक होल्ड करना पड़ता है, देखो यहां पर वार्निंग, एंटर वार्निंग, होल्ड करके रखा तो एंटर हो गया, एंड यहां पर वार्निंग दिखा रहा है रिफ्यूल। फिर से अगर मैं ओनली सिंगल प्रेस करूं तो कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ वार्निंग यही है फ्यूल का। फिर से अगर मैं इसमें इसको अगर मैं फुल होल्ड करके रखो ऐसे, ये देखो फिर मैं बाहर आ गया। फिर अगर मैं यहां पर सिंगल क्लिक करूं एंटर सेटिंग्स, फिर से अगर मैं यहां पर होल्ड करके रखू तो सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे हम लोग। तो सेटिंग्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्योंकि कनेक्टिविटी फीचर है इसमें, तो ब्लूटूथ ऑफ यहां से आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब जब कनेक्ट करोगे तो ऑन दिखाएगी यहां पर। ये सेटिंग्स के अंदर ब्लूटूथ ऑफ, एंड एक और बार क्लिक करें तो क्लॉक को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे DTS, ठीक है, 450 किलोमीटर दिखा रहा है, ये जो है ना डिस्टेंस टू सर्विस है, ठीक है, सर्विस रेंज जो हुआ करती थी वो अभी यहाँ पर आप लोगों को DTS ऐसे देखने को मिल जाए। तो ये तीन चीज आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाता है। फिर से अगर इसको प्रेस करें तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी IFE एंड DTE जो डिस्टेंस टू MTI ये देखने को मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे ट्रिप है, ट्रिप भी, तो ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। एंड मीटर देखो कितना खूबसूरत है, ब्लैक के ऊपर कंप्लीटली व्हाइट है, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग को सारे वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में, ऐसे इंडिकेटर्स कुछ ऐसे टाइप के दिखेंगे, एंड हाई बीम लो बीम कुछ यहाँ पर दिखेगा इंडिकेटर। और यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर कुछ ऊपर इस तरीके का है, अभी स्टार्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा कैसे टाइप में ये काम करते हैं, कैसे लगता है देखने में स्टार्ट हालत में। यहाँ पर हम लोग को साइड में छोटा सा फ्यूल गॉज देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर यहाँ पर है,
ओडोमीटर इधर है, ठीक है, एंड छोटा सा क्लॉक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और साइड स्टैंड जो अलार्म है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस साइड में हम लोग को एबीएस इंडिकेटर एंड इंजन मैलफंक्शन जो लाइट है, इंजन चेकलाइट बोल लो, ये देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर हम लोग को लो ऑयल इंडिकेटर दिख जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग को इसमें दिख जा रहा है, सारे कुछ जो भी मतलब चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को मीटर में देखने को मिल जाता है। अभी अगर मैं आप लोग को स्टार्ट कर दिखाऊं ना कि टैकोमीटर कैसे लगते हैं, तो करते हैं इसको स्टार्ट। टैकोमीटर देखो ऐसे काम करते हैं, जो पहले मिला करती थी सेम वैसे देखने को मिल जाएगा। डीआरएल को आप लोग ब्राइट कर सकते हो, या फिर आप लोग अगर प्रोजेक्टर को ऑन करते हो तो डीआरएल थोड़ी सी यहाँ पे पावर कम हो जाएगी। एंड इसको अगर हाई बीम लो बीम करके दिखाओ तो ऐसे टाइप में कुछ है, तो पहले के जैसे लाइट वगैरह सारा कुछ हम लोग को सेम देखने को मिल जाता है। एंड क्योंकि मैंने स्टार्ट कर लिया तो एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों को अच्छे से सुना देता हूँ। तो सेम टू सेम वही बेसी साउंड है N160 की। अभी अगर थोड़ा सा थ्रॉटल दे इसको, तो साउंड तो देखो काफी स्पोर्टी है, पहले के जैसा ही है। साउंड वाउंड में कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर चार्जर भी मिल जाता है छोटा सा। तो देखो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफी एडवांस हो गया ये बाइक पहले के मुकाबले। अभी आप लोगों को कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिल जाता है, चार्जर तो पहले से मिलता था, तो चार्जर के साथ ये सब ऐसे बोल सकते हैं कि एड ऑन हुआ है एक तरीके से, ठीक है। और अगर स्विच गियर में आप लोगों को एक बार दिखा दूं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इस साइड में आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ स्विच, यहाँ पर जो बाई फंक्शन एलईडी का जो स्विच है वो देखने को मिल जाएगा, सेल्फ का स्विच। इस साइड आप लोगों को एक अलग से एम बटन ऐसे देखने को मिल जाएगा मीटर को टॉगल करने के लिए। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल्स का स्विच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न का स्विच, और यहाँ पे जो हाई बीम लो बीम एंड पास स्विच यहाँ पर मिल जाएगा। तीनों फंक्शन एक में यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, ऐसे करने से हाई बीम, ऐसे लो बीम एंड यहाँ पर पास स्विच। सो ये कुछ अपडेट्स आप लोगों को N160 में अभी देखने को मिल जाएगा। जो लोग मतलब सोचो कि एक हफ्ते पहले भी N160 खरीदे ना, मुझे तो उनके लिए बुरा लग रहा है। मतलब देखो वो बाइक भी खराब नहीं है, बट अगर सोचो कि मतलब जिसने लिया है उसको ऐसे कनेक्टिविटी फीचर वगैरह भी चाहिए होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चाहिए होता है, तो उन लोगों को अभी मतलब काफी अफसोस होगा कि अरे थोड़ा दिन रुक जाते तो हम लोग को ये मिल जाता। तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी बाइक है, बट जो अभी जो लोग ले रहे हैं ना उन लोगों को ये एडवांस पूरा मिल जाएगा, एडवांस बाइक। एंड इसमें देखो चेंजेस के नाम पे जो मैंने बता दिया आप लोगों को, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइस वगैरह भी कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सो आई होप कि सारा कुछ मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी मैं कुछ मिस आउट कर गया हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आप लोगों को कोई भी अगर डाउट है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड गाइस। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। चलो बाय बाय।